नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। कांग्रेस आज फिर से जम्मू में सड़कों पर है और आपको बता दें चले कि जिस तरह से ईडी लगातार जो है वो सोनिया गांधी को समन भेज रही है और आज उसी को लेकर बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ यहां पर नारेबाजी जो है वो की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है वो ईडी का सहारा लेकर कांग्रेस को खत्म करने की साजिश रचा रही है, जिसको लेकर जम्मू में तमाम कांग्रेस के लोग इस वक्त सड़कों पर उतरकर बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी यहां पर कर रहे हैं। नहीं चलेगी। गुंडागर्दी बंद करो। मुर्दाबाद। आज ईडी ने दोबारा लोकतंत्र की हत्या करते हुए, कल भी देखा होगा कि राहुल जी को रात भर तक वहाँ, रात तो देर रात उनको वहाँ छोड़ा। आज उसी सिलसिले में जब तक ये सोनिया गांधी को ये जो देशभाव की राजनीति है, खास करके जो ये जो बीजेपी जो कर रही है ये शर्मनाक है। आज सभी कांग्रेस के साथी सीनियर नेता यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। जब तक ये लोग सोनिया गांधी जी को बुलाते रहेंगे, हम लोग यहीं बैठकर उनका साथ और सहयोग देंगे। और आज शर्म की बात है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई मुजाहरा करना चाहते हैं, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं, ये लोग कहते नहीं इमरजेंसी में बुरी हालत हुई थी, ये इमरजेंसी से भी बहुत बुरी हालत हमारे साथ कर रहे हैं। हमें प्रदर्शन नहीं करने देते राहुल जी को और एमपीस को, प्रदर्शन नहीं करने देते। आप देखिए, ये लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं महंगाई के ऊपर। जो हालत, जो 5% उन्होंने जो जीएसटी टैक्स लगाया, ये लोगों का ध्यान बांटकर, जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए ये उसकी तरफ उनका ध्यान बांटकर उनको नहीं पहुंचा रहे। हमारी यही डिमांड है कि जब तक ये सरकार अपनी राजनीति, ये जो गंदी राजनीति जो अगर इसको खत्म नहीं करेगी, हमारे प्रदर्शन धरने जारी रहेगी। लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि भ्रष्टाचार पर पूछा गया। विपक्ष आज ये जो कांग्रेस का प्रदर्शन है, आने की बात ही जो ये ईडी पर बार बार जो कांग्रेस के नेतों को तंग कर रही है, पूरा साथ सहयोग दे रही है, बाकी चीजें जो है कि जो अग्नि विरोध के लिए जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, सब चीजों पे जो हिंदुस्तान के लोगों का जो है टाइम जो है बर्बाद कर रही है, और जो कांग्रेस के जो लोग हैं तब तक सड़कों पे रहेंगे, तब तक जो एजेंसियां जो हैं कांग्रेस जनों को तंग करती हैं, और बार बार जो है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो है ईडी डाइवर्ट लोगों का ध्यान करने के लिए बार बार उनको तंग कर रही है।